कि हम सब यहां जमा हैं इस मिठाई और में, और खुश नसीबों में पूरी रात हम सबका शुमार हो रहा है। फरिश्ते अभी गए नहीं हैं, वो इंतजार कर रहे हैं किसका किसका, वो इंतजार कर रहे हैं उस बाबरकत अमल का जिस अमल के बारे में मेरे इमाम वाजिबुल हजराम शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुर रिजवान, जिनकी कब्र अनवर पर आज की महफिल कुर्बान, उन पर लाखों दुरूद और लाखों सलाम, जिन्होंने ये बात कही कि मैं ऐसा अकीदा रखता हूं, उनकी किताब दलाल नबूवा उठा के देख लो, जिसमुल कुलूब इला दियार महबूब उठाकर देख लो, अखबार लखियार उठाकर देख लो, अशरफुल नवाज उठाकर देख लो, किस किस किताब का नाम, किसी भी किताब उठाओ, अपने दिबाचे में लिखते हैं बड़ी खूबसूरत बात कि किसी ने मुझसे अकीदा पूछा कि मौलाना मुफ्ती हकीम साहिब इतने बड़े आदिम हैं आप, इतने जलील कदर शख्सियत हैं आप, आपने हजारों किताबें निकली, हर मौजू पर आपकी किताब है, आप मुहक्किक हैं, जो मुहक्किक होता है वो अल्लाह की तरफ से मबऊस होता है, पैदा नहीं होता, बनता नहीं है। याद रखिए मुहक्किक उसको कहते हैं कि लाखों करोड़ों में एक, ऐसे के मुहक्किक नहीं बनता कि मैं कलम लिख रहा हूं, मैं रवानी से नाशरी ऐसा अमल कर रहा हूं कि मुझे कोई मुहक्किक बना देगा। मुहक्किक याद रखिए, मुहक्किक अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब के सबके सिफात मुस्तफा के सबके मबऊस फरमाता है। ये तो वो मुहक्किक था कि जिसको मेरे इमाम शाह अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी अपना इमाम मानते हैं। अरे शाह अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी, जिनकी वसीले से, जिनकी मेहनत से, जिनकी अजमत से, जिनकी हम एहसान माने 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 मर जाए तब भी उनका एहसान हम मान नहीं सकते, उस ईमान जो मुजद्दिद है ना, इस सदी का भी है और दूसरी सदी का भी है, उसको हर अहले सुन्नत ने माना, ये इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रजा खान बरेलवी मुजद्दिद थे, मुजद्दिद हैं, इनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, सबने बकलम खुद लिख कर दिया। तो मुजद्दिद कैसे, ऐसा कोई मुजद्दिद आज के दौर में दिखाओ, लाखों करोड़ों मदरसे बना दे, हजार मुफ्ती निकाल दे, बहुत निकाल दे, करोड़ हाँ दीन के काम कर ले, मुजद्दिद बन जाएगा। आओ मुजद्दिद की झलक दिखाओ, मैं मुजद्दिद की झलक क्या है, ढाई साल की उम्र है, ढाई साल की उम्र है, यस्सर कुरान इब्तिदाई पारा पढ़ाया जाता है, पढ़ाने वाले कौन, अल्लाहु अकबर जलील कदर मुफ्ती वक्त आपके दादा हुजूर पढ़ा रहे हैं। सुनिए तसव्वुफ की बात कर रहा हूं, मुख्तसर सी बात, एक तसव्वुफ की, शायद आप समझे, नहीं समझे, समझे तो मैं समझूंगा सुभान अल्लाह कहोगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ये जो एक पहली सीढ़ी है, हम भी नहीं समझे तो पहली बात, मैं क्या उनका दादा नहीं समझे, उनके वालिद मोहतरम रिजवान बैठे थे, वो नहीं समझे, बड़े बड़े मुफ्ती बैठे थे उस वक्त कि ढाई साल का बच्चा कर क्या रहा, वो ही नहीं समझा, लेकिन जो समझा वो तसव्वुफ को जो समझा है, अल्लाह के नाम को जो समझा है, अल्लाह की पहुंच तक जो पहुंचा है, अल्लाह की महबूबियत में जो पहुंचा है वो समझा है। दादा ने पढ़ाया, पढ़ो बेटा ले, पढ़ा ले बाका साजी हाँ खादा था, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, आखिर जब आया पढ़ो बेटा लाम अलिफ, लाम अलिफ, मैं बात कर रहा हूं मबूसी हुजूर जिसको अपनी सिफात अता कर दे वो पैदा होते ही मुजद्दिद होता है, उसकी ये शान, जब दादा ने कहा पढ़ लाम अलिफ बेटा, तो कहने लगा बाबा मेरे दादा ढाई साल का बच्चा सवाल हो रहा है, दादा सब तो तुमने अलग अलग पढ़ाया, सारे अल्फाज तो तुमने
मुरक्कब नहीं पढ़ा है, सिंगल पढ़ा है, अलिफ बा ता सा सब। अब यहां के दो अखबार ऐसे अलिफ के मैंने पहले पढ़ लिया, अब मैं लाम के साथ कैसे पढ़ू बाबा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बाबा देख रहा उसको क्या सवाल कर रहा है, ढाई साल का बच्चा, ढाई साल का बच्चा इस किस्म की बात। तो बेटा ये मुरक्कब है, अब आएंगे आगे जब तुम सफे पढ़ोगे तो दो दो अखबार एक साथ आएंगे, का बा ता लाम जी हा। बाबा कहने लगा अच्छा अच्छा दादाजी, तो फिर ये लाम अली भी क्यों, लाम बा भी हो सकता है, लाम ता भी होता है, लाम जी भी होता है, लाम जाल भी हो सकता है, लाम दाल भी हो सकता है, ये लाम अली क्यों। अल्लाह अड़ गए, नहीं जब तक दादा ये लाम अली का मामला बताओगे नहीं आगे में नहीं बोलूंगा। तो बच्चा क्या गाड़ी ले गया, दादा कहने बाबा से इनके वाले से बेटा ये अपने से भी दुआ मांगे, लाम अली समझते ना क्या है, बंदा नहीं बोलता है अल्लाह मेरी रजाई है, रब पूछता है बंदे तो कसम दे दे के, है ना अल्लाह से फरमाते हैं ना, अरे है क्या फरमाते हैं अपने मुर्शिद के लिए के कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने जल्दी आपको समझ आया।